यशवर्धन अपना कंफर्टेबल बेड देख के देखिए कितना एक्साइटेड हो गया है। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे हैं। आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि हमें ट्रैवल के लिए निकलना है। पैकिंग हमने रात को ही कर ली थी, अब हमें सिर्फ इसे गाड़ी में लोड करना है और निकलना है। कोशिश करेंगे सुबह जल्दी निकल जाएं, लेकिन ये यशवर्धन देखिए अभी तक सोया हुआ है। इसको उठाना सबसे मुश्किल काम है। उठ जाओ बेटे, चलो चलना है अब हमें। ये उठ जाए तो समझो कि हमारा आधा काम पूरा हो गया है। तो इसको उठाते हैं, जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं ताकि रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। गाड़ी में सामान रखने के लिए गाड़ी घर के पास ही ले आते हैं क्योंकि थोड़ी दूर खड़ी होती है। सामान ज़्यादा है तो थोड़ा आराम से रख सकेंगे। घर के बाहर देखिए पूरा सुनसान है। सुबह क्योंकि जल्दी निकले हैं तो पूरा खाली है यहाँ पर। हमारी गाड़ी वहाँ सामने खड़ी हुई है बिल्कुल अकेले में। तो चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लेकर चलते हैं घर, जहाँ इसमें आराम से हम सामान रख सकेंगे। सुबह के देखिए 6:34 हुए हैं। क्योंकि सर्दी है तो पूरा रोड खाली है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लेकर चलते हैं। गाड़ी में ले आया हूँ, घर आकर देखा तो यशवर्धन भी उठ गया है और तैयार भी हो गया है। जल्दी जल्दी, ना तो ये नहाया है ना कुछ किया है इसने, बस कपड़े पहन लिए और तैयार है। तो अब चलते हैं गाड़ी में सामान रखने। लो बेटे सामान उठाओ। ये वाला कंबल हम गाड़ी में बिछा देंगे पहले, जिससे यशवर्धन आराम से इस पर बैठेगा। फिर उसके ऊपर हम रखेंगे ये बैग। तभी बॉल रख ली। हाँ रख ली, चलो आओ आ जाओ, पहले ये रख के आते हैं। बाय मम्मी। बाय। बाय के अभी आना नहीं है, मम्मी को क्या छोड़ के करना जा है तुम्हें? रहे। हाँ क्या? चलो सुबह का टाइम है तो यहाँ हमारे घर के पास तक गाड़ी आ गई है। दिन में तो यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलती। तो गाड़ी में सामान रख लेते हैं फटाफट। पहले हम कंबल बिछा लेते हैं यहाँ ताकि सामान गंदा ना हो, अपन नीचे हैं। हाँ नीचे भी और ऊपर भी ऐसे। अब ये बैग्स वगैरह हम सीट के बीच में रखेंगे और बिल्कुल लेवल कर देंगे, जिससे इसके लिए एक बेड बन जाए। देखिए इस तरह, उसके ऊपर ये रजाई और ये कंबल। अब ये इसका पूरा बेड बन गया है, इस पर आराम से सोता हुआ जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं। नाश्ते में चाय और मठियाँ। यशवर्धन अपना कंफर्टेबल बेड देख के देखिए कितना एक्साइटेड हो गया है। सुबह के 7:52 हुए हैं, अब हम निकल चुके हैं। मौसम साफ है, हमें डर था कि कहीं कोहरा ना हो, लेकिन मौसम आज बिल्कुल साफ है। थोड़ा सा कोहरा है लेकिन इतना तो चलेगा। ये हम हापुड़ टोल पर पहुंच गए हैं, जहाँ करीब 165 रुपये हमें टोल पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टोल है। अभी हमें ऐसे दो टोल मिलेंगे, एक 55 रुपये का और एक 65 रुपये का। तो टोटल करीब 285 रुपये का टोल हमें यहाँ पे करना होगा, यहाँ से लेकर, दिल्ली से लेकर रामनगर तक। यहाँ हम चाय के लिए रुके हैं। यशवर्धन पीछे अपना फुल मस्ती में बिस्तर पे, इसका बिस्तर तो सही बना हुआ है ये। बस बस बस, तो चाय लोगे बेटे? पानी? और आप? ठीक है लाते हैं।
सर्दी की सुबह में गरम गरम चाय, और वो भी हाईवे पर कंबल में बैठकर। यशवर्धन तो एक अलग ही एक्सपीरियंस ले रहा है। कैसा लग रहा है बेटे? ये देखिए, इसकी मम्मी भी। बाहर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। सुबह के अभी करीब 8 बजे हैं, सॉरी 9 बजे हैं। और देखिए, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। चाय पीने का इसकी मम्मी भी पीछे शिफ्ट हो गई हैं। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। पापा कितना टाइम बचा है? तो आधा घंटा। अभी टाइम हो रहे हैं 1:21। मैं कैसे दिखाऊं? मम्मी दिखाना टाइम। टाइम 1:20 हो रहा है, उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो गाइस यहाँ पे शीशे पर भी फॉग जम चुकी है पूरी, और इसमें खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठंडी लग रही है? ठंडी भी हो रही है, बहुत ठंडी है। देखो गाइस हमारा बिस्तर। जब हम चाय पीने के लिए उतरे थे वहां कितनी ठंड थी ना। हाँ ये देखो गाइस, पूरा कंबल वंबल बिछा रखा है, रजाई वजाई बिछा रखी है, तब भी सर्दी लग रही है। हाँ मम्मी ये देखो गाड़ी बाहर में इतनी नहीं कितना लग रही ना अच्छा अभी व्यू तो। है, बाहर एकदम ग्रीनरी है। मम्मी ने यहाँ पे मूंगफलियों का जुगाड़ कर लिया है मम्मी। चुग लेता हूँ। अभी दोनों मैंने भी करके क्या चटर करें। पटर मूंगफलियां खा ली है। तो ये कौन सी मार्केट है पापा? अरे बाजपुर पापा ये तो बहुत प्यारी जगह है। हाँ बेटे, ये दोनों तरफ जंगल है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। देखिए रोड कितना अच्छा है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ, और पूरा खाली, एकदम क्रीम रोड है। देखा कितना खूबसूरत रास्ता था ये। अब हम गांव में एंटर कर गए हैं जहां हम आना चाहते थे। सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे, बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत गांव है। चारों तरफ एकदम ग्रीनरी और फ्रेश एयर, मकान भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। बिल्कुल लगता नहीं है कि गांव के मकान हैं, तो इसे हम एक मॉडर्न विलेज कह सकते हैं। पक्की सड़कें और खूबसूरत नेचर।
होटल देखेंगे। पापा कोई होटल है यहाँ? हाँ बेटा मिलेंगे, देखते हैं। बेटे सामने एक होटल नजर आ रहा है, ये होटल लग रहा है, देखिए इसे पता करें। यहाँ सामने ये फॉल भी है, कॉर्बेट फॉल। तो कॉर्बेट फॉल के सामने वाला होटल देखते हैं। ये गंदा पानी नहीं है दोस्तों, ये नेचुरल वाटर है जो कॉर्बेट फॉल से आ रहा है। ये 24 घंटे यहाँ बहता रहता है, बिल्कुल क्लीन। तो चलते हैं अंदर और पता करते हैं रूम के बारे में। तो दोस्तों हमने ये रूम ले लिया है और अब यहाँ आराम करेंगे हम आज, क्योंकि काफी टाइम हो गया, काफी ट्रैवल भी लंबा था। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, क्योंकि अब हम कल ही घूमने के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।